जो वातावरण है ना, मतलब काफ़ी कूल और काफ़ी बढ़िया सा वातावरण हो चुका है। तो गाइज ऐसे वातावरण में चलने में जो मज़ा है ना भाई, तो किसमें भी नहीं है। तो गाइज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको चलते जाना है हमारे मामा के गाँव में। तुम देख सकते हो गाइज, अब ये लोग पूरे के पूरे तैयार हो चुके हैं और अभी निकलने के लिए तैयार है। और ये हमारे गांव की गुड़िया ऐसे कुछ मतलब सीसी रोड से बनाए वाले रास्ते वगैरह है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है गाइस, तुम देख सकते हो। कुछ घर वगैरह इस टाइप के। ये हमारे गांव की पुरानी मस्जिद गाइस, तुम देख सकते हो। मुझे टाइम नहीं मिला था गाइस, इसी वजह से मैंने मेरा ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आज अपना ब्लॉग आने वाला है भाई। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रास्ता, अब इसी रास्ते से हमको जाना है स्ट्रेट, और यहाँ से गाइस लगभग 3 किलोमीटर है हमारे मामा का गांव। हमारे साथ में हमारी पन्नू, नाने और आपका भाई एसएन के गाइस। और गाइज मतलब इस गांव को जाने के लिए मतलब ऑटो रिक्शा वगैरह सब कुछ है, लेकिन हमको मतलब रिक्शा में वगैरह को जाना नहीं है भाई, हमको जाना है चलते चलते। मतलब चलने में जो फन है ना भाई, मतलब किसी में भी नहीं है। और जो वातावरण है गाइज, तुम देख सकते हो, मतलब बादल वगैरह सब छा चुके, तुम देख सकते हो। हमारे गाँव का दरगाह है। हम ना जब घर से निकले थे तो क्लाइमेट थोड़ा ठंडा था, अब हम चल रहे हैं तो थोड़ी गर्मी हो रही है, और दीदी को ठंड लग रही है और हमें गर्मी हो रही है। ये देखिए, ये मुस्कुरा रही है, इनको बहुत ठंडी लग रही है। ये हमारे गांव का लास्ट घर गाइज, और इसके आगे घर है। अच्छा, यहाँ पे एक है, ये लास्ट है, ठीक है चलो, वो सेकंड लास्ट और ये लास्ट घर हमारे गाँव का। और देखो भाई कैसे चल रहे दोनों ये। और भाई हम जब निकले थे तब क्लाइमेट ठंडा था, जैसे भी हम रास्ते पे लगे तब से भाई धूप निकलने चालू हो चुकी है और काफ़ी हमको गर्मी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। अभी तक हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं और 2 किलोमीटर हमको चलना है, और 2 किलोमीटर ऐसे चलेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे इमली का पेड़, और इनको खानी है इमली, लेकिन आज कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इमली सब सूखे वाले हैं, पर रास्ता नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर इमली तोड़नी पड़ेगी। ये तो दिक्कत है यार, तुम किसी लेडीज को साथ में ले चलो, बस मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ऐसा वैसा, मतलब यही बस इनका यही रहेगा, बस पेट दे के नहीं इमली का, और इनको इमली खानी है। हम खाते हैं और ये खेल के भाई का पेट निकलता है। हाँ, ये खाते हैं इमली और पेट, तुम देख सकते भाई मेरा बड़ा हो रहा है। और आगे से 2 लेडीज है गाइस, चलते चलते आ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं चलते चलते, वैसे वो लोग चलते चलते आ रहे हैं। लेकिन गाइस मतलब गांव के जो लोग होते हैं ना, चलने में मतलब उनको कुछ दिक्कत आती नहीं है। शाम में बारिश, सुबह में ठंडी, दोपहर में धूप, गर्मी, और शाम में बारिश। आज है 1 मई, और 1 मई के दिन गाइस हम जा रहे हैं ब्लॉग बनाते बनाते। और काफी दिनों से अपना ब्लॉग आया नहीं भाई, कुछ काम में थोड़ा सा अटक गया था, मुझे टाइम नहीं मिला था। और तुम देख सकते हो यहाँ पे एक फार्म हाउस जो कि रास्ते के किनारे गाइस। गाइस हम लोगों को मामा के घर गए हुए 1 साल हो गया, और अब हम जा रहे हैं। अभी तो अब हम पैदल जा रहे हैं, तो बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है, हमने पानी बॉटल नहीं लाया, कुछ भी नहीं। तो गाइस अगर आपको किधर जाना होगा तो सबसे पहले आप 1 बॉटल पानी कैरी कीजिएगा। अभी हमको प्यास लगी है भाई, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है हमें, काफ़ी थक चुके हैं गाइस। अब हम चलते चलते जा रहे हैं, अब कब पहुंचेंगे, कब मामा का गाँव आएगा, कब पानी पियेंगे पता नहीं। और बस इस रास्ते पे गए हम तीनों ही जा रहे हैं चलते चलते। जाने वाला रास्ता, और ये खुले खुले खेत, और हम तीनों यहाँ, हमारे तीनों सिवा कोई भी नहीं। ये रास्ता आज के दिन हमारे बाप का है, हम रास्ते पे चले, सोए, कुछ भी करे, बस हमारे बाप का है। अच्छा, आज हमारा राज है, यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो भाई यहाँ पे तो मतलब काफी पसीना निकल चुका है, बट कोई नहीं। और लगभग 1 किलोमीटर है गाइस, और 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम जाके पहुंचेंगे हमारे मामा के गाँव में। सोचे थे कि मतलब बाइक पे जाए, लेकिन गाइज जो चलने में जो मज़ा है ना, वो बाइक पे नहीं है। और यहाँ पे इमली का पेड़, और इसको इमली नहीं है। और वहाँ पे गैस इमली का पेड़ था, इमली भी थी, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं था। बस इनका बैड लक है, हम क्या कर सकते है कि नहीं, इनका बैड लक। आपको गालियाँ सीखनी है तो ऐसे इनके भाई के पास क्लास लगा लो, वो मुफ्त में सब सिखाएंगे। गाय भैंस के लिए यहाँ पे घर बनाना चालू है। अभी हमारी एंट्री हो चुकी है इस गांव में, जिस गांव का नाम है गैस सांगवी बेनक। और यहाँ पे कुछ लिखा है, तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। देखिए गैस, इनको अभी आम खाना है। आम ऐसे कैसे मिलेगा भाई, फार्म हाउस किसी और का, जगह किसी और की, आम किसी और का, और खाना इनको है। आज के दिन सिर्फ रोड तुम्हारी है, सिर्फ रास्ता तुम्हारा है, ना पेड़, ना आम, ना इमली, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। क्या मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मतलब गांव का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ। तो आपको बता रहा हूँ गाइस, ये गांव आएगा महाराष्ट्र स्टेट नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, जिस गांव का नाम है सांगवी बेनक। देख रहे हैं हमारे तरफ, क्या कर रहे हैं। 3 किलोमीटर चले भाई, और हमारी पुन्ना भी बोल रही है कि बहुत थक चुके हैं। ऐसे थोड़ी भाग सकते हैं भाई, किसी की बाइक लेकर। हाँ, आज के दिन अपन बाइक लेके जाएंगे और पूरा घुमा घुमा कर उनको कल लाके देंगे। ये घर कुछ इस टाइप का है, तुम देख सकते हो गाइस। तुम जिस भी गांव में जाओगे ना भाई, तो उस गांव में आपको 3-4 टेम्पल तो देखने जरूर मिलेंगे। और जैसे भी तुम देख सकते हो, अभी इस गांव में जैसे एंट्री हो चुकी है, अब यहाँ पे टेम्पल है, तुम देख सकते हो। गांव में एंटर करने के लिए 2 रास्ते, एक जो मेन रास्ता है उस रास्ते से एक जाएगा, और ये है गाइस सिंपल वाला रास्ता, तुम देख सकते हो। हम अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, और काफ़ी खतरनाक रास्ता है गाइस। और भाई यहाँ पे बहुत पत्थर है, चलना मुश्किल हो रहा है, ऐसा हमारी पन्नू बोल रही है। और भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे मतलब टेम्पल है, भोलेनाथ का टेम्पल है, तुम देख सकते हो यहाँ पे। और अभी हम गांव में एंटर करेंगे बस 2 मिनट के अंदर। धीरे धीरे आइए। फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है इस गांव में, तुम देख सकते हो भाई। और ये इस गांव का नाम सांगवी बेनक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस गांव का नाम सांगवी बेनक है। बहुत सारे लड़कियां आके पीछे देख रहे हैं भाई कि ये कौन है, क्या है, क्यों वीडियो बना रहे हैं। पर कोई नहीं भाई, चलता रहता बस। गाइज ये इस गांव की ग्राम पंचायत, तुम देख सकते हो। और अभी रिसेंटली गाइज मतलब अंबेडकर जयंती हो चुकी है, तो मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है, कलम का बादशाह। देख सकते हो, काफ़ी नीला नीला लग रहा है गाइज, मतलब ब्लू विलेज लग रहा है, तुम देख सकते हो। अंबेडकर के जयंती के कारण यहाँ पे बुद्धा जी स्टेचू, और यहाँ पे अंबेडकर जी का स्टेचू। काफ़ी अच्छा गाँव है गाइज, तुम देख सकते हो। मतलब पूरा दिल खुश होगा गाइस यहाँ पे आकर। आधे घंटे से सब बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे इस गांव में। और गाइस तुम देख सकते हो, ये हमारे मामा का छोटा सा सिंपल सा घर। और गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे मामा के घर में। काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी भाई, 3 किलोमीटर चलना पड़ा धूप में, काफ़ी पसीना आया, काफ़ी प्यास लगी। और ये देखो भाई, ये हमारी नानी यहाँ पे बैठे गाइस, तुम देख सकते हो। अभी बोल रही है पीने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए पानी देते हो, रुको रुको बोलकर बोल रही है भाई। अकेली बेटी यहाँ पे, शायद हमारे मामा नहीं है, कुछ काम की वजह से कुछ मतलब बाहर चले गए, शायद कुछ काम की वजह से बाहर चले गए मामा, सिर्फ नानी दिखाई दे रही है अकेली घर में। और ये मामा का घर हमारे, छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा। और ये हमारे मामा का किचन गाइस। और यहाँ पे चूल्हा, यहाँ पे चूल्हा है जो कि चाय वगैरह, खाना वगैरह, पानी वगैरह गर्म करने के लिए। अंदर से कुछ इस टाइप से तुम देख सकते हो। यहाँ पे हमको बैठने के लिए चेयर वगैरह दी गई है, और थोड़ा सा अंदर से लंबा है गाइस। और यहाँ पे टेबल वगैरह, अंदर चार्जर वगैरह, साउंड बॉक्स, होम थिएटर कुछ लगाने के लिए। और ये नानी अभी हमको पानी पिलाना चाहती है गाइस, तुम देख सकते हो। आखिर आधा घंटा हो चुका है, फिर भी इन लोगों को गर्मी हो रही है। और ये हमारी मामी जी, ये हमारी मामा की लड़की, और ये हमारी नानी, सबसे सुंदर सबसे क्यूटी गाइस तुम देख सकते हो। ये हमारी नानी है, तुम देख सकते हो। देखो शर्म आ रही, देखो तुम देख सकते हो गाइस कितनी शर्म आ रही है नानी हमारी। क्यूटी लग रही है कि नहीं, क्यूटी ब्यूटी। छोटी छोटी। और काफी देर से इन लोगों को प्यास लगी थी भाई, जैसे भी आए मतलब यहाँ पे ठंडा पानी पी रहे, तुम देख सकते हो दोनों भी। अभी हम लोग बैठे यहाँ पे जो कि खटिया वगैरह यहाँ पे डाली है, और काफ़ी ठंडा लग रहा है, मतलब अभी थोड़ा दिल को सुकून मिल रहा है भाई। जैसे भी 3 किलोमीटर चले हम, तो काफ़ी मतलब प्यास लगी थी, गर्मी हो रही थी, और हमारे पैर वगैरह कुछ दुख रहे थे भाई। जैसे भी यहाँ पे आए, छाँव में खटिया डाले और बैठे, एक गिलास पानी पिए ठंडा वाला, और काफ़ी बढ़िया लग रहा, काफ़ी मज़ा आती है भाई। मतलब जो विलेज लाइफ होती है ना गाइस, काफ़ी मज़ा आती है, काफ़ी अच्छी रहती है, तुम देख सकते हो। ये है विलेज कल्चर, ये है विलेज लाइफ, तो काफ़ी अच्छी होती है गाइस। अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में गए ना गाइस, तो आपको लगभग सेम घर मिलेंगे, सब घर का स्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा। तो भाई ये हमारे मामा का घर है, तुम देख सकते हो। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, और ये जो अपना ब्लॉग है ना भाई, तो मतलब काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो अपने ब्लॉग इधर ही खत्म करेंगे गाइस। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस।